आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए सर माननीय राष्ट्रपति जी होना चाहिए सर उपस्थित हुआ हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का ये वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला ये अभिभाषण है। इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। श्रीमान अधिरंजन चौधरी जी, प्रोफेसर स्वगत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, रामकृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत, कई नाम हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो समय शायद बहुत जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक स्वर यह उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है, सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव भी लोगों के बातों में से आता है। तो मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्गृत करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी के कारण, उसी प्रेरणा के कारण हम लीक से हट करके तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते
जिस तरीके से आप लोग चलते थे उसी रास्ते से चलते, जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बना। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती, अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है, हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलने का गति नहीं बढ़ाते, तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़ता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना। 35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होगा। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से
और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लीक से हट करके चलना चाहते हैं और इसलिए हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े स्केल भी बढ़े डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज गति से काम किया है उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने 5 साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं होता। अगर तेज गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया है। मान्य अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। लगातार मंत्री नॉर्थ ईस्ट में दौरा करते रहे, रात रात वहां रुकते रहे, छोटे छोटे इलाके में जाते रहे, टियर 2 टियर 3 छोटे स्थानों पर गए, लोगों से संवाद किया, मिला विश्वास का वातावरण पैदा किया और विकास के जो आवश्यकताएं होती जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुंचाने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया
और वो विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है। यहां पर ये बोड़ों की चर्चा आई और ये कहां गया, ये कोई पहली बार हुआ है? हमने भी कभी ये नहीं कहा कि पहली बार हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया, जो भी किया गया आधे अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया एक प्रकार से खानापूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पे तो हो गए, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए, अनेक प्रकार की एक्सटॉर्शन, 50 प्रकार की बीमारियां समाज जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आर्म्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टम नहीं है ताकि हमारी बात बार बार उजागर हो, फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं, और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे सूरत तो पहले उगता है लेकिन सुबह नहीं आती थी, सूरत तो आ जाता था, अंधेरा नहीं छटता था। आज मैं कह सकता हूं नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है, और वो प्रकाश जब आप अपने चश्मे बदलोगे तब दिखाई देगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं ताकि बोलने के लिए बीच में मुझे आप विराम दे रहे हैं। कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई, आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, इन निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। वहां एक मौलवी जी बैठे थे,
उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है, जैसा वैसा ही। आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है। आपके लोगों को कहिए कि अभी जी से आप करें, यही मैं कहता कि वो जो भी थे अभी भी कह रहा हूँ अपने स्वामी जी को अपमान ना करे। माननीय ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा इतना जल्दी में? माननीय अध्यक्ष जी, यहां किसानों के विषय में भी बातचीत हुई है। बहुत से महत्वपूर्ण काम और बहुत से नए तरीके से, नई सोच के साथ पिछले दिनों किया गया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से यहां चर्चा करने का प्रयास हुआ है, मैं नहीं जानता हुआ अज्ञानवश है कि जानबूझ करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर जानकारियां होती तो शायद हम ऐसा न करते। हम जानते हैं कि 1.5 गुना MSP करने वाला विषय है कितने लंबे समय से अटका हुआ था, हमारे समय का नहीं था, पहले से था। लेकिन ये किसानों के प्रति हमारी जिम्मेवारी थी कि उस काम को भी हमने पूरा कर दिया। बहरान सिंचाई योजनाएं 80-90% धन खर्च करके 20-20 साल से पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। फोटो निकलवा दी बस काम हो गया। हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उनको उसके लॉजिकल एंड तक ले गए और अब किसानों को उसका फायदा होना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस व्यवस्था से किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ है। किसानों की तरफ से करीब 13,000 करोड़ रुपए प्रीमियम आया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ उसके तहत करीब 56,000 करोड़ रुपए किसानों को बीमा योजना से प्राप्त। किसान की आय बढ़े ये हमारी प्राथमिकता है, इनपुट कॉस्ट कम हो ये हमारी प्राथमिकता है। और पहले MSP के नाम पे क्या होता था हमारे देश में,
पहले 7 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद हुई, हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन, 7 और 100 का फर्क तो समझ आएगा। इनाम योजना, आज डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। इनाम योजना के नाते किसान अपना बाजार में माल बेच सके, उस योजना को लिया हमने। और मुझे खुशी है कि गांव का किसान इस व्यवस्था से, करीब 2.25 करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावार का इस इनाम योजना से किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है हमने, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो, सोलार पंप की बात हो, ऐसे नए अनेक चीजें जोड़ी हैं जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2014 में, हमारे आने से पहले, कृषि मंत्रालय का बजट 27,000 करोड़ रुपये था, अब ये बढ़कर के 5 गुना, 27,000 करोड़ था, बढ़कर के 5 गुना और लगभग 1.5 लाख करोड़ हमने पहुंचा। किसान पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं, अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फाइलों की झंझट नहीं, एक क्लिक दबाया पैसे पहुंच गए। लेकिन मैं जरूर यहां माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राजनीति करते रहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, लेकिन क्या हम राजनीति करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे? मैं उन माननीय सदस्यों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने राज्य में देखें, जो किसानों के नाम पर बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं वो जरा ज्यादा देखें कि क्या उनके राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिले, उसके लिए वो सरकारें किसानों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं, इस योजना के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? नुकसान किसका हुआ, किसका नुकसान हुआ? उस राज्य के किसानों का हुआ। मैं चाहूंगा यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो दबी जबान में, तो खुलकर के शायद न बोल पाए क्योंकि कहीं जगह पे बहुत कुछ होता है, लेकिन उनको पता होगा। उसी प्रकार से मैं माननीय सदस्यों के कहूंगा जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, उन राज्यों में जरा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे कर करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर करके वोट बटोर लिए, शपथ ले लिए, सत्ता सिंहासन पा लिया, लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किए गए। कम से कम यहां बैठे हुए माननीय सदस्य उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहें कि किसानों को उनका हक देने में कोताही न बरते। माननीय अध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब मैंने विस्तार से सबके सामने प्रार्थना भी की थी और अपने विचार भी रखे थे। उसके बाद सदन के प्रारंभ में जब मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये सत्र हम पूरी तरह अर्थ आर्थिक विषय, देश की आर्थिक परिस्थिति, इन सारे विषयों को इस सत्र हम समर्पित करें। हमारे पास जितनी भी चेतना है, जितना भी सामर्थ्य है, जितने भी बुद्धि प्रतिभा है,
सबका निचोड़ इस सत्र में दोनों सदनों में हम लेकर के आए हैं, क्योंकि जो देश दुनिया की आज जो आर्थिक स्थिति है उसका लाभ उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए, कौन सी दिशा को अपनाए जिससे लाभ हो। मैं चाहूंगा कि ये सत्र अभी भी समय है, ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे तब भी पूरी शक्ति, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम आर्थिक विषयों पर गहराई से बोले, व्यापकता से बोले और अच्छे नए सुझावों के साथ बोले, ताकि देश विश्व के अंदर जो अवसर पैदा हुए उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं निमंत्रित करता हूं सबको, और मैं मानता हूं कि आर्थिक विषयों के इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हम सबका सामूहिक दायित्व है, और इस दायित्व बोध में पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे, और वो भी ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं, मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोचना नहीं मानता, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं, और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं और स्वीकार करने का प्रयास भी करता हूं, और इसलिए इस प्रकार की जितनी बातें बताई गई हैं इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये अच्छी बातें हैं, देश के लिए हम सोचते हैं, लेकिन पुरानी बातों के बिना आज की बात को समझना थोड़ा कठिन होता है। अब हम जानते हैं पहले क्या कालखंड था, करप्शन आए दिन चर्चा होती थी, हर अखबार के हेडलाइन, सदन में भी करप्शन पर ही लड़ाई चलती थी, सब दूर यही बोला जाता था, अनप्रोफेशनल बैंकिंग कौन भूल सकता है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कौन भूल सकता है, और संसाधनों की बंदरबाट, माय गॉड क्या करके रख दिया था। इन सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने की लॉन्ग टर्म गोल के साथ एक निश्चित दिशा पकड़ करके, निश्चित लक्ष्य पकड़ करके उसको पूरा करने का हमने लगातार प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि उसी का परिणाम है कि आज इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बनी रही है, महंगाई नियंत्रित रही है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रही है। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है, ये भी काम हम ही करेंगे, हाँ एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे।
जीएसटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात हो, आईबीसी लाने की बात हो, एफडीआई रिजीम को लिबरलाइज करने की बात हो, बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन करने की बात हो, जो भी समय समय पर आवश्यकता रही है और जो भी एक दीर्घकालीन मजबूती के लिए जरूरत है, सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है, उठाए हैं और उसके लाभ भी आना शुरू हुए हैं। और वो रिफॉर्म्स जिसकी चर्चा हमेशा हुई है, आपके यहां भी जो पंडित लोग थे वो यही कहते रहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अर्थशास्त्री भी जिन बातों की बातें करते थे, आज एक के बाद एक उसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर गई। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, उसको लेकर के भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 2019 जनवरी से 2020 के बीच 6 बार जीएसटी रेवेन्यू 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो 2018 अप्रैल से सितंबर एफडीआई 22 बिलियन डॉलर था, आज उसी अवधि में ये एफडीआई 26 बिलियन डॉलर पार कर गया है। ये इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है और भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर हैं, ये कन्विक्शन बना है, तब जाकर के लोग आते हैं। और गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग उनसे बाहर निकल करके आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा विजन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज वैल्यू एडिशन और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर है। देखिए, मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूं। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं, उस समय सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इन योजनाओं ने देश में स्वरोजगार को बहुत बड़ी ताकत दी है। इतना ही नहीं, इस देश में करोड़ों करोड़ों लोग जो पहली बार मुद्रा योजना के लेकर के खुद तो रोजी रोटी कमाने लगे, लेकिन किसी और को भी, एक को, दो को, तीन को रोजगार देने में सफल हुए। इतना ही नहीं, पहली बार बैंकों से जिनको धन मिला है मुद्रा योजना के अंदर, उसमें 70% हमारी माताएं बहनें जो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्षेत्र में नहीं थी, वो आज कहीं न कहीं इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। 28,000 से ज्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुए हैं और वे आज खुशी की बात है टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हैं,
यानी हमारे देश का युवा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुद्रा योजना के तहत 22 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत हुए हैं और करोड़ों युवाओं ने खुद ने तो रोजगार नहीं, खुद ने रोजगार को पाया है। फॉर्मल सेक्टर में अजरंजन जी, मैं ऐसा करता हूं, आप एक समय तय कीजिए, आपको जितना कहना है मैं दोबारा बैठ लूंगा, क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे अच्छा नहीं। सत्तर साल की देश की राजनीति ऐसी रही है कि कोई कांग्रेसी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक के डेटा ऑन एंटरप्रेनर्स, उसमें भारत का दुनिया के अंदर तीसरा स्थान है। सितंबर 2017 से नवंबर 2019 के बीच ईपीएफओ पेरोल डाटा में 1,39,00,000 नए सब्सक्राइबर्स आए। ये बिना रोजगार को कोई पैसे जमा नहीं करता है जी। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम ज्यादा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी, ये करोड़ों नई जॉब्स के लिए अवसर लेकर के आती है। स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल फोर्स तैयार करना, लेबर रिफॉर्म संसद के अंदर ऑलरेडी एक प्रस्ताव तो आगे बढ़ा है और भी कुछ प्रस्ताव है, मुझे विश्वास है कि सदन
उसको भी बल देगा ताकि देश में रोजगार के अवसरों में कोई रुकावट ना आए। हम पिछली सदी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में नई सोच के साथ इन सारे बदलावों के लिए आगे आना होगा और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि लेबर रिफॉर्म के जो काम और सब लेबर यूनियन के साथ मिलकर के तय हुआ है उसको जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे रोजगार के नए अवसरों के लिए सुविधा बढ़ेगी। और मैं विश्वास करता हूं $5 trillion इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये ऐसे नहीं हो रहा।